पंजाब के नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए अपने और अपने परिवार का अच्छा भविष्य बनाने के सपने संजोकर विदेश की धरती पर ट्रैवल एजेंटों के तहत पहुंचते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंटों के द्वारा दिखाए जाने वाले रंगीन सपनों का मकड़ जाल ऐसे दिखाया जाता है कि नौजवान उसी मकड़ जाल में फंस जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है गुरदासपुर के गाँव ठीकरीवाला गुराया का, जहाँ के एक नौजवान गुरदीप सिंह की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। गुरदीप सिंह और उसके एक साथी व्यक्ति जो कि पंजाब के जिला कपूरथले से संबंधित है, दोनों के हालात इतने बुरे हैं कि तन पर कपड़ा नहीं। गुरदीप सिंह की माता ने कहा कि लगभग 1.5 साल पहले उनके बेटे को ठीकरीवाला ऊंचा गांव के एक एजेंट द्वारा दुबई भेजा गया, लेकिन उनके साथ एजेंट ने धोखा किया। उनके बेटे को 3 महीने का टूरिस्ट वीजा लगाकर भेज दिया, जबकि उन्हें वर्क परमिट कहा गया था। उनके बेटे को जब वीडियो मैंने देखी, उन्होंने कहा, तब विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनका बेटा है और इतने बुरे हालात में है। जब भी उनके बेटे का फ़ोन आता तो वह हालचाल पूछकर फ़ोन बंद कर देता था, क्योंकि उसके पिता 2 सालों से गुर्दों की बीमारी से जूझते हुए बिस्तर पर है। उसने गुरदीप ने अपना दुख कभी भी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि अगर उनके हालात उनके पिता को पता चले तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी मदद करे और जल्द से जल्द गुरदीप को भारत लाया जाए। नहीं, जट ने सू तो दस वो गल दस कहते जट ने चलो अभी भेजा भी पैसे साढ़े को ले, दो साल का वर्क परमिट करके ले। उन्हें मुड़ के 3 साल का टूरिस्ट वीजा लैके भेजता, जो मुड़ के काम नहीं उन्होंने मिले, फिर धक्के खाता रहा, फिर पैसे मंगा रहा, अभी भेज दे रहे शायद उन्हें वीजा लगाना हो, सू ए बारे कुछ पता नहीं भी वीजा ने लवाया कि नहीं लवाया, फिर धक्के खाता रहा अज तक 1.5 साल तो धक्के खाता रहा वा, ये बारे में कोई अज तक पता नहीं लगा। हूँ कल जड़ी आ चढ़ी आ वीडियो चढ़ी आ, ये तो कल दोपहर को 1:30 बजे पिंडों बंदे आए, उन्होंने दसिया भी ताे फोटो आई आ, वो तो पता लगे सारे जिन्होंने पता लगे वो साढ़े घर आए गए, ताे आ गल बनी आ, सू पहले बार कोई पता नहीं भी आना चक्कर बनिया वा। कि सपने अपने घर वास्ते लै के मैं कला कला कर कमाई करके अपना घर का कुछ बनाऊँगा, कोई अपना चंगा घर कोई विह करूँगा, आके चंगे काम करूँगा, पर हालातों का पता नहीं भी आह काम बन जाना वा। मन की सू इन्ना रोना है कि बड़े प्यार पालिया है, पढ़िया लिखा है, साढ़े परिवार सब तो ज़्यादा पढ़िया लिखा, बाकी कोई बच्चा नहीं पढ़िया, कोई प्लस टू गाँ नहीं लंघिया, उन्हें बी एड की। इस 1.5 साल से कभी उन्होंने कोई गलबात नहीं की थोड़े नाल मेरे हालात में? ना किसी ने भी नहीं गल करता, वो दुख की अपनी गल नहीं किसी दसदा हूँ, जिन्ना मर्जी तो दुख आ जाता है। पिछले की हालात ने परिवार के? उन्होंने परिवार के हालात तो तुम देख रहे जे वाले किन्ने माड़े आ, कोई सामने वाला भी नहीं है, वे बेटी ब्याही आ, पापा के हालात माड़े आ। किन्ने चिर तो बीमार ने? ये 2 साल तो बीमार है, हूँ 1 महीना थोड़ा ज़्यादा हो, पहले तुरे फिर आए, हूँ 1 महीना थोड़ा ज़्यादा, टेंशन भी थोड़ी पै गई बच्चे की भी, वो ना भी थोड़ा ज़्यादा हो गए। फिर अभी सरकार ने करनी चाहनी है, इन्हों का जो बच्चा वा वो जल्द तो जल्द सरकार को बेनती है कि इन्हों का बच्चा इन्हें को पहुँचा जाए, कि अपने माँ प्यो को आए ना, इन्हों का हिदा साथ हो जाए, इन्हों का भी दुख की घड़ी बैठे भी आए वे इंतजार करना थोड़ा, ये बेनती करते हैं सरकार ने। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਭੇਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ।